अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमाद खान और आप देख रहे हैं PhoneWorld लाइव। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि चाइनीज़ फ़ोन के प्राइजेस क्यों कम होते हैं और हम जब इन फ़ोन को यूज़ करते हैं तो क्या ये इनकी स्पेसिफिकेशन सेम होती है या नहीं। व्यूअर्स, आजकल डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट चाइनीज़ फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और उनकी प्राइजेस भी बहुत कम होती हैं अगर हम उनको कंपेयर करें सैमसंग और आईफोन के साथ। व्यूअर्स, इनकी प्राइजेस इसलिए कम होती हैं कि चाइनीज़ फ़ोन इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती अपनी डिवाइसेस पर। वो कोई भी डिवाइस बनाते हैं या तो वो किसी और कंपनी का प्रोसेसर और रैम उस मोबाइल में यूज़ करते हैं और उसका टच जो होता है किसी जैपनीज कंपनी का उठाकर वो टच उसमें लगा देते हैं। इनकी वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ही कम होती है। और इसके दूसरे तरफ अगर हम सैमसंग और आईफोन को देखें तो उनकी प्राइसेस इस वजह से हाई होती है जब वो कोई फोन लॉन्च करते हैं तो उस फोन पे वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई भी डिवाइस अगर उसमें वो फिक्स कर रहे हैं तो और वो अपनी कंपनी का ही डिवाइस उसमें फिक्स करेंगे, इस वजह से उनकी प्राइसेस हाई होती है। व्यूज, अगर सैमसंग और आईफोन अपनी प्राइसेस डबल भी कर दें तो मार्केट में उनकी सेल वैल्यू खराब नहीं होगी। इसकी मेन वजह यही है कि इन कंपनी ने अपना नाम मार्केट में इतना स्ट्रांग कर दिया है, अगर उनके प्रोडक्ट को डबल प्राइस पे भी बेचा जाए तो उनकी प्राइस खराब नहीं होगी, यानी कि उनकी मार्केट वैल्यू खराब नहीं होगी। इसी तरह अगर हम चाइनीज फोन को देखते हैं तो उनकी सेम स्पेसिफिकेशंस होती हैं लेकिन उनकी प्राइसेस कम होती है, तो इसकी वजह यही है कि वो लोग इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते किसी प्रोडक्ट को बनाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैमसंग और आईफोन की मार्केट वैल्यू देखें तो मार्केट में उन्होंने अपना नाम इतना कमा लिया है कि अगर वो अपने मोबाइल डिवाइसेस में कोई इन आउट कर भी लें तो उनकी मार्केट वैल्यू खराब नहीं होगी। जैसे कि नोट 7 के मोबाइल बैटरी एक्सप्लोजन की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू खराब हो गई थी, बहुत जल्दी उन्होंने सैमसंग और सैमसंग S8 प्लस को लॉन्च कर दिया ताकि वो अपनी मार्केट वैल्यू दोबारा रिकवर कर लें। इसी तरह अगर हम इनको कंपेयर करें तो चाइनीज फोन अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं तो इनकी वजह से इनके मोबाइल प्राइजेस जो है वो कम है। इसी वजह से चाइनीज कंपनीज के जो मोबाइल फोन है उनके प्राइजेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू सैमसंग और आईफोन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सैमसंग और आईफोन या LG HTC कोई भी फोन यूज करें तो आपके मोबाइल फोन की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होगी। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई फॉल्ट आ भी जाए तो आप उसको मार्केट से आसानी से रिकवर करा सकते हैं। अगर इसी तरह ये कंपैरिजन हम लोग चाइनीज फोन का करें तो चाइनीज फोन अभी अभी लॉन्च हुए और वो मार्केट में इतने स्टेबल नहीं हुए। और दूसरी साइड पे अगर हम चाइनीज फोन को देखें तो चाइनीज फोन इतने स्टेबल नहीं हुए मार्केट में अगर हमारे फोन में कोई फॉल्ट आ जाए और हम मार्केट में जाके इजिली उसको ठीक करवा लें। इसकी मेन वजह यही है कि चाइनीज फोन की प्राइसेस इस वजह से कम होते हैं क्योंकि वो मार्केट में अभी इतना स्टेबल नहीं हुए। तो व्यूअर्स, आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप वॉचिंग फॉर लाइफ।